बहुत हो गया क्या? चले, बहुत देर हो रही है, संतू घर पहुंच भी गई होगी। हाँ तो जाइए ऑटो से, चले जाइए, देख नहीं रहे हम काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे इससे अच्छा तो संतू के साथ ही चले जाते, हमारे पैसे तो बचते। सुनना देना, मेरे को भी हाथ साफ करना दे प्लीज। मुझे भी दे दो। बचाओ! हाँ? तुमको तो जितना कूटा जाए ना भैया उतना पुण्य कमा लेंगे हम। हिम्मत कैसे हुआ तुम लोगों से उनके जीने का हक छीनते हो? शर्म नहीं आता है तुम्हें? नहीं आता है? बताओ किसके कहने पे ये घटिया काम कर रहे हो, किसके कहने पे? नाम बोलो। जितना मारना है उतना मार ले दरोगा, मैं बार बार वही बात कहूंगा, मेरे मालिक का इस सब में कोई हाथ नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो भी किया है ना वो मैंने किया है, मैंने। एक्सक्यूज मी ना, वफादारी अच्छी चीज है, लेकिन गलत समय पे गलत इंसान के लिए दिखाओगे तो जेल जाओगी और टॉयलेट धोगी अपनी हाथों से। क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने मालिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपने किसी भी आदमी को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। ए, कौन है? आप ओके, फाइन। और क्या बोल रहे भैया? मेरे मालिक मुझे छुड़ाने आते ही होंगे। आते क्या, आ ही गए वो, मेरे मालिक इंद्रजीत पड्डा। इन्हीं को पट्टा पहनाएंगे। जी जी जी, आइए बैठिए। कहिए आप, क्या दिक्कत है, कौन परेशान कर रहा है आपको? जी मैं ही हूँ इंद्रजीत पड्डा, मैं ही हूँ इस विलास का मालिक और रेनबो प्राइवेट वाटर टैंकर्स का ओनर। मालिक मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया है। तेरी वफादारी पर कौन शक कर सकता है मेरे दोस्त, इसलिए खुद चलकर तुझे छुड़ाने आया हूं। सुनो ये लॉकअप खोलो और इसे बाहर निकालो। आप टोपा है क्या? थाना में खड़े होके थाने वालों को ऑर्डर दे रहे हैं आप? जिंदगी से संबंध खराब हो गया है क्या आपका? देखिए मैडम, बहुत सालों से धंधा करते हैं हम यहाँ, बहुत ऊपर तक दुआ सलाम है सबके साथ, आज तक किसी ने भी इंद्रजीत के आदमी पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। आपसे गलती हुई मानता हूँ, हाँ शायद इसलिए कि आप मेरे बारे में सच में कुछ जानते ही नहीं, और आपको ये गलती सुधारने का मैं मौका भी दे रहा हूँ। अभी के अभी मेरे आदमी को रिहा कर दीजिए और आज के बाद मेरे धंधे से और मेरे आदमियों से दूर रहिएगा। धमकी दे रहे हैं क्या आप हमको? नहीं, हम तो आपको आपका काम समझा रहे हैं। पुलिस का काम है कि शहर के शरीफ और ईमानदार कारोबारियों की सुरक्षा करना, ना कि उन्हें बेवजह परेशान करना। वाह, आप शरीफ और इज्जतदार कारोबारी, हाँ? लोगों से उनका पानी छीनते हो, वही पानी उन्हीं लोगों को दुगने दामों में बेचते हो, पानी का काला धंधा करते हो और खुद को शरीफ और इज्जतदार कारोबारी कहते हो? ये अच्छा है नहीं? लोग इतना पानी बर्बाद करते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उनके लिए कोई कानून भी नहीं, और मैं पानी बेचूं वो गलत? ऐसा बड़ा बड़ा बात करके ना आप अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। ये आप किसी समाज सुधार या किसी बदलाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आप रह लेंगे पानी के बिना? बताइए हमको, सुखी नगर में पानी का प्रॉब्लम कर रहे हैं ना आप, वहाँ पानी का प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, हर घर में पानी दिलवा कर रहेंगे, हर शहर में पानी दिलवा कर रहेंगे, पूरी दुनिया में पानी दिलवा कर रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने प्यार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को आप ही की भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होती है। और तू बिल्कुल डरना मत मेरे शेर, बहुत जल्द ये लोग खुद चल कर आएंगे हमारे पास तुम्हें छोड़ने के लिए। पानी कहाँ है? पानी चपड़ गंजो कौन अभी तो झाक के बहुत मेरी चाय गिरा दी, नुकसान करा दिया।
क्या झाग देवता बन के घूम रहे हो यहाँ पे पूरे थाना में? शर्म नहीं आता है तुमको? कपड़े का है तुम्हारे, नहाए का है नहीं हो? मैं नहा रहा था, बीच में पानी बंद हो गया तो मैं क्या करूं? क्या बकैती कर रहे हो बिल्ले? 24 घंटा पानी आता है हमारे थाने में, पानी कैसे बंद हो सकता है? वही तो मेरा सवाल है, पानी कैसे बंद हो गया? हम अभी देखते रहते हैं, नाले कुछ भी बकैती करता रहता है। मुझ पे विश्वास नहीं। गिलास तुझे गिलास में डाल के फेंक दूंगा, समझी? छी, ना गंदा जो तबल खींच। हे तोलिया, नहीं नहीं नहीं। अरे करिश्मा जी, जी बिल्लू सही कह रहा है। का? ये थाने के एक बिनर में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और अब आएगा भी नहीं। मतलब? मतलब ये कि ये थाना इस हवेली में बना हुआ है, ये बहुत पुरानी हवेली हो चुकी है, इसका जलापूर्ति का नक्शा अभी तक पास नहीं कराया गया है। इन शॉर्ट, इस थाने में जो पानी की सप्लाई का पाइपलाइन है वो इलीगल है, इसलिए पाइपलाइन की रिकंस्ट्रक्शन तक इस थाने की पानी की सप्लाई रोक दी गई है। ये रही उसकी लीगल नोटिस। अरे माँ, तब तक मैं ऐसे ही जाग 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 जाग। ये क्या बकवास है? इतने सालों तो क्या सोया था आपका ये जल विभाग, जो इतने सालों बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ की पाइपलाइन इलीगल है? ये तो अपनी खुशनसीबी समझिए कि इतने सालों तक आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलना ही था, तो अब मिल गया। धन्यवाद माँ। देखा क्या कहा था मैंने? विलास, तुझे फिर से गिलास में डाल के फेंक दूंगा। मैं ना लिख के बोल सकती कि ये काम उस इंद्रधनुष का ही है। शैतान का नाम लो और शैतान का फोन, क्या करने का है? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, विज्ञान ऐसा कहता है कि मनुष्य का शरीर 70% पानी से बना हुआ होता है, और मनुष्य को दिन में 3-4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए, और अगर वो ना मिले तो जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? जिंदगी की सबसे जरूरी और अहम चीज के बिना, पानी के बिना। मैं अभी भी कहता इस बात को नहीं बढ़ाते हैं। आप वहां से मेरे आदमी को छोड़िए और मैं यहाँ से आपके पुलिस चौकी का पानी छुड़वाता हूँ। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये लाइन तभी जुड़ेगा जब तुम जैसे पानी का काला धंधा करने वाले मुनाफाखोरों का कनेक्शन टूटेगा, समझे? और अब हम तभी पानी पिएंगे जब तुम्हारे जैसे ईमानदार के कीड़ों को ना उनका असली औकात दिखा देंगे। और आप ये कैसे करेंगे अद्भुत और अकल्पनीय कारनामा? क्योंकि कोई सबूत तो आपके पास है नहीं। आप जानती हैं मैडम, दिन में सपने देखने वालों को लोग क्या कहते हैं? नशेड़ी या पागल। अब आपको ये तय करना है कि आप इन दोनों में से क्या है, सोच के बताइए। नमस्कार जी। देख लिया मैडम, आप तो हमें हमारा हक का पानी दिलवाना चाहती थी, पर यहाँ तो इन लोगों ने आप लोगों के थाने का पानी बंद करवा दिया। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। देखिए मैडम, मैं 2 दिन के बाद मेरी शादी है, और मैंने ये झूठ बोला है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर आप लोगों को जो मन में आए वो कीजिए, आई डोंट केयर। आप इतना घबरा कह रहे हैं भैया, 48 घंटे हैं आपकी शादी को अभी, तुम्हें झूठ बोलकर शादी करने का जरूरत नहीं है। और सुखी नगर में पानी की समस्या का हल हम निकालेंगे, ये हमारा वादा है और हम निभा कर रहेंगे। अरे बोल तो दिया है, करेंगे कैसे? संतु, तुम्हें इंद्रजीत का कुंडली निकालने के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? निकाला है मैडम, पूरी जन्म कुंडली निकाली है, 1 सेकंड में बताती हूँ। हाँ, इंद्रजीत के करीबी लोग जो है ना उसे हाँ। इंद्र बुलाते हैं, और इसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है, और धोखाधड़ी और झूठ बोलना, चीटिंग करना तो मतलब इनके नस नस में है मैडम। इसके पापा ट्रेन में पानी की बोतल बेचा करते थे, लोगों को लगता था सील्ड बोतल वाला पानी पी रहे, लेकिन असल में वो पानी होता कहाँ से था? पास ही की किसी नदी से होता था जिसमें बहुत बीमारियाँ और बैक्टीरिया होते थे। तो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना तो मतलब बहुत बचपन से इन्हें आता है।
वाटर सप्लाई की जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती है ना, उसमें भी वो इलीगली जो है अपना पाइप लगाकर पानी खींच लेते हैं। इसी से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो इसीलिए जितना पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना उन तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उनको इतनी पानी की प्रॉब्लम हो रही है। ये जब पता ही है सब लोग को, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं इनके खिलाफ? कैसे करेगा, सब मिले होंगे ना। बिना सिस्टम की बड़ी मछलियों के मिले भगत के बिना काला धंधा कैसे चल सकता है? असंभव है। लेकिन मैडम कोई तो आदमी होगा ना, मतलब कोई तो ऐसा ऑफिसर होगा ना जो मान धर्म मोरल वैल्यू को मानता होगा, अपने ईमानदारी के साथ रहता होगा, वो भी तो मना कर सकता है इन लोग को। नहीं जीते, जो पैसे से और लालच से नहीं बिकता ना, उन्हें ये लोग टॉर्चर करते हैं। एक एक बूंद के लिए इतना तरसाते हैं कि झक मार कर इनको उनके सामने झुकना ही पड़ता है। गवर्नमेंट से लेकर हर सरकारी डिपार्टमेंट में इनकी पकड़ जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और एक और नई बात मैडम, अब ये पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया ना, मतलब पावरफुल तो थे, अब बेलगाम भी हो जाएंगे। अब तक इनका नारा था कि तुम मुझे नोट दो मैं तुम्हें पानी दूंगा, अब इनका नारा ये हो गया कि तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। सटक चांदी में बोल रही, अपन ने गलत जगह पंगा ले लिया है। दारू के दरिया में अगर बिगर नहीं करने का। ये नहीं होता है, मुहावरा है कि मगरमच्छ में रहकर दुश्मनी से दरिया नहीं किया जाता है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अपन ने गलत आदमी से पंगा तो लिया है ना, काहे के लिए अपन इस लफड़े में घुस रहे? माफी बीफी मांग के मामला खत्म करते हैं। माफी मांगेगा मेरा जूता, अपन तो छोड़ेंगे नहीं इसको। संतु जी, तो वही लड़का है ना जो आपको सुखी नगर में से पानी ऑफर कर रहा था? हाँ, ये लड़का है जो हमें सुखी नगर में मिला था और बहुत ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। अरे साफ साफ कहिए ना संतु जी, लाइन मार रहा था पर आपसे चिपक। सपोला है मैडम, इंद्रजीतवा का इकलौटा बेटा है। ये तेरे पे लाइन मार रहा था? और का पास आकर एकदम पानी दे रहा था, फ्रेंडली हो रहा था, बतिया रहा था इनसे। अरे ये तो एक नंबर बात है ना। देख अभी तो क्या कर, अभी तूने उसको अपने जाल में फंसा, उससे थोड़ी नजदीकी बढ़ा, थोड़ा उसको भाव दे, थोड़ा उससे भाव खा, थोड़ा मस्ती कर, थोड़ा मुस्कुरा, और फिर जैसे ही लड़का तेरे कंट्रोल में आ जाए कि उससे उसके बाप के बारे में पूछ डाल। उसका धंधा कैसे चलता है, क्या होता है, उसका अंदर बाहर सारा सब कुछ सबूत के साथ इकट्ठा कर और सब उससे निकलवा। बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे संतु जैसा, बहुत फ्लॉप आइडिया है। हम सहमत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। उर्मिला से गजा, जब घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। हाँ, और कोई रास्ता है तो तुम बता दो। हाँ, बोलना। गजा पर सुनो संतु, क्या है ना कि हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, तुम समझ रही हो उर्मिला जो कह रही है? तुम क्या सहमत हो इससे, तुम क्या करना चाहोगी? ये ड्यूटी के लिए कुछ भी मान, बहुत बढ़िया। ठीक है तो मैडम हम भी रहेंगे संतु जी के साथ एकदम साया की तरह। तो तुम और रहते भी कहाँ? रुको रुको भैया, रुकिए 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 रुकिए। जितने पैसे दे दे। हाँ? मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज दे दे, प्लीज दे दे। संतु जी 100 रुपए था संतु। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ दे। चीते यार, लोकेशन तो यहीं की दिखा रही है। नहीं संतु जी, गलत लोकेशन, यही वाला नहीं है। तू मुझे गलत बोल रहा है? नहीं नहीं, मोबाइल गलत बता रहा होगा। मेरा फोन और मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, अपना धनुष ना यहीं पर है। अपना धनुष? हाँ। नहीं संतु जी, टारगेट धनुष अपने तो हम है ना, अपने तो संतु जी। वो देख, रुकिए रुकिए, हम लोग यहीं से कुछ करते हैं, उसके पास जाना नहीं है। संतोष, संतोष जी, सत्य माफ कर दिया चाचा, माफ कर दिया। बेटा। हाय संतोष शर्मा, हाउ आर यू? अब पहचाना धनुष, कल खुशीनगर में मिले थे। सुखी नगर में? हाँ सुखी नगर। अच्छा हाँ, वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो एक्चुअली कल आपके यूनिफॉर्म के बैच पर पढ़ा था। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे कॉफी पीने आई थी मैं। ऑफ कोर्स, यहाँ सब कॉफी पीने ही आते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ बैठकर कॉफी पी सकती हैं। ओके क्यों नहीं। हाँ, हाँ। वेटर, एक कैपेचिनो।
ब्राउन रोज राइट? नहीं, रोज तो रेड ही है, देखो। नहीं नहीं, एक्चुअली आपने जो परफ्यूम लगाया है ना, वो मेरा फेवरेट है। यहाँ तक खुशबू आ रही है। लड़कियों का परफ्यूम आपका फेवरेट है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मेरी मम्मी और मेरी बहन लगाती है, तो मैं भी कभी कभी लगा लेता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे पहले शौक था मुझे, लेकिन अब मजबूरी में लगाना पड़ता है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वही वाटर शॉर्टेज, मतलब पानी इतना महंगा हो गया है, पीने का पानी इतने मुश्किल से मिलता है, तो रोज नहाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और बाल भी मेरे एकदम ऐसे रूखे सूखे से हो गए, वो धोती नहीं हो ना, इसलिए। सॉरी पर मुझे अभी भी आपके बाल सिल्की सिल्की और खिले हुए लग रहे हैं। वॉशरूम उधर है, आपको बाथरूम लगी है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए क्या खाएंगी, मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? अब कुछ भी सस्ता सा ऑर्डर कर दो। वो क्या है ना, पानी की इतनी प्रॉब्लम है ना, तो सेविंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारा खर्चा तो मेरा पानी खरीदने में ही चला जाता है। 5,000 का एक वाटर टैंकर आता है, तो इसीलिए कुछ भी सस्ता सा आप ऑर्डर कर दीजिए। अरे डोंट वरी, आपको ना उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए पानी का टैंकर मंगवा दूंगा, वो भी उस रेट पर जो आप इजीली अफोर्ड कर पाए। अगर अफोर्ड ना कर पाए तो मैं अपनी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा दूंगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वाटर सप्लाई आपके पापा की हो। फॉर्चुनेटली ऐसा ही तो है, इस पूरे शहर की प्राइवेट वाटर सप्लाई का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पापा का ही है। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है? ए, क्या है क्या? तुम्हारे वजह से आधे साबुन के झाग में घूम रहा था मैं, तब से यही यूज कर रहा हूँ डियो। हाँ मैडम, हमको यहाँ से कब आजाद कर रही हैं आप? एक बार और बोला ना तो जिंदगी से आजाद कर देंगे, बता रहे हैं मैया कसम। क्या बोलती पब्लिक? क्या रे सब प्रेम पटर लोग ठीक इधर। क्या है मेरे लिए? मारती है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मुंबई स्पेशल वड़ा। अपने साहब को जाकर बोलिए कि लड़ाई झगड़ा सारा माफ करे, हम उनके साथ हैं। थैंक यू मैडम, समझदार हैं आप। आप जैसे पुलिस वाले की वजह से तो हम लोग हैं। अच्छा है ना? इतना बड़ा हाथ निकला। माफ कीजिए लेकिन पानी तो है नहीं, आप ही लोगों ने तो काटा है। अभी समझ में आया, तुम जैसे हलकट लोग की वजह से कितने लोग हैं जो इतनी गर्मी में एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। अभी भुगत। शाबाश, बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। बहुत पछताओगे तुम लोग, हमारे इंद्रजीत साहब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे। वैसे एक बात पूछना चाहती थी मैं, आपके पापा इतना पानी लाते कहाँ से? मतलब मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि इतनी मुश्किल हो रही है पूरे शहर में, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इतना तरस है वो, और ऊपर से आपके पापा जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, इतना पानी लाते कहाँ से? आई एम सॉरी पर सच कहूँ तो मुझे अपने पापा के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ना कभी उन्होंने बताया ना मैंने कभी पूछा। वैसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं देते और मैं उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता। एक्सक्यूज मी। अरे देखो अभी उनकी बात कर रहे हो, उनका फोन आ गया। हाय डैड, कहाँ हैं आप? आपको किसी से मिलवाना था। ओ अच्छा, कहाँ तुम? यहीं पैराडाइज कैफे लाल चौक। अरे बेटा जिसे तुम्हें मिलवाना है उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, मैं इत्तेफाक से पैराडाइज कैफे के बाहर ही हूँ। बहुत बढ़िया, आप आ जाइए, मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ। यस। क्या हुआ? पापा यहीं बाहर है, बस आने ही वाले। आपको जो कुछ भी पूछना है उनसे डायरेक्टली पूछ लेना। What? Oh, हाँ, ठीक है, okay.
अगर इंद्रजीत ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, और तो और अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा थाना भी मुसीबत में आ सकता है।